हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। ऑप्टिमाइजेशन के अंदर मैं आपको बिग गैम मेथड और सिंपलेक्स मेथड का सिंपल मेथड जो मैक्सिमाइजेशन का वो करवा चुकी थी। मैक्सिमम प्रॉब्लम देख चुके हैं, मिनिमम प्रॉब्लम बाय बिग गैम मेथड देख चुके हैं। अभी नेक्स्ट मेथड और आ रहा है जिसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, ठीक है। और वो टॉपिक है नॉन फिजिबल सॉल्यूशन का। वो मतलब अभी तक जितने कर रहे हैं मैक्सिमम और मिनिमम की प्रॉब्लम करी है, वो सारी की सारी ऐसी प्रॉब्लम थी जिनका कोई ना कोई सॉल्यूशन हमें निकल रहा था, मतलब मिल रहा था, ठीक है। मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, यानी सॉल्यूशन ऑप्टिमम मिल रहा था। ऑप्टिमम मिलने के बाद कोई ना कोई इसका अपने सॉल्यूशन निकाल ही देते, आंसर निकाल ही देते। बट अभी जो टॉपिक आएगा वो है नॉन फिजिबल सॉल्यूशन का। मतलब उसमें ऐसे कि हो सकता है कोई ना कोई कंडीशन इतना सेटिस्फाई ना हो, कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसका मतलब उसका सॉल्यूशन विद्यमान नहीं होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं नॉन फिजिबल सॉल्यूशन से रिलेटेड के क्वेश्चन। तो हमें डायरेक्ट क्वेश्चन देते हैं नॉन फिजिबल सॉल्यूशन का। हमें क्वेश्चन दे रखा है शो दैट द फॉलोइंग एलपीपी हैज नॉन फिजिबल सॉल्यूशन। क्वेश्चन है शो दैट द फॉलोइंग एलपीपी हैज नो विजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। और एलपीपी हमें क्या गिवन है, मैक्सिमम ऑफ सेट इक्वल्स टू 3x1 + 2x2, ठीक है। और हमें सब्जेक्ट दे रखे इसके 2x1 + x2 ≤ 2, एंड दूसरा सब्जेक्ट दे रखा है हमें 3x1 + 4x2 ≥ 12, एंड ऑल x1 x2 ≥ 0। ये क्वेश्चन है और हमें प्रूफ करना है कि इस मैक्सिमम वाले एलपीपी का कोई भी सॉल्यूशन विद्यमान नहीं है, नो फिजिबल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हम इसको करते हैं सॉल्व, चेक करते हैं क्या इसका कोई फिजिबल सॉल्यूशन विद्यमान है या नहीं है। प्रोसेस वही रहता है, मेथड्स वही लगाने हैं, या फिर मैक्सिमम के लिए अपने सिंपल वाला मेथड लगाते थे और मिनिमम के लिए अपने बिग गैम वाला मेथड लगाते थे, ठीक है। और मिनिमम के लिए कब लगाते थे, जब उसके सब्जेक्ट ग्रेटर देन इक्वल में। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहता है कि हम साइन चेक करें सब्जेक्ट्स के कि ग्रेटर देन है या लेस देन इक्वल के अंदर है। साइन चेक करने के बाद फिर हम जेड चेक करते थे कि मैक्सिमम है या मिनिमम है, फिर हम बिग गैम मेथड में जाते। अब यहाँ पर देखो, एक तो साइन लेस देन इक्वल का और एक साइन हमें दे रखा है ग्रेटर देन का। अब मैंने बताया कि कहीं पर भी आपको ग्रेटर देन का साइन मिल जाए सब्जेक्ट्स के अंदर, लेस देन चाहे पड़ा हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता बिग गैम के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है जो ऑब्वियसली बात है बिग गैम मेथड लगेगा ही लगेगा। अब बिग गैम मेथड क्या कहता है, मैंने बोला था कि बिग गैम मेथड क्या करो, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल के साइन के लिए बिग गैम मेथड है वो हमेशा मिनिमम से करो, यानी उसके लिए जेड हमेशा मिनिमम में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जेड मैक्सिमम में है, तो फिर हम मैंने बोला था अगर मैक्सिमम से करते हो बिग गैम को तो माइनस में मंगा पड़ता है, इधर एम माइनस में चले जाते हैं। तो ज्यादा कोशिश किया करो कि बिग गैम वाले क्वेश्चन सारे मिनिमम से करो तो उसका सॉल्यूशन थोड़ा इजी हो जाता है। तो हम अगर हमें ग्रेटर देन का साइन दे रखा है तो बिग गैम मेथड से करेंगे, ठीक है। और बिग गैम के लिए इसको मिनिमम में चेंज करेंगे, तो हम लिखेंगे बाय बिग गैम मेथड, ठीक है। अब ये मैक्सिमम है तो इसको सबसे पहले चेंज करो मिनिमम में। तो मिनिमम ऑफ जेड था, मैक्सिमम ऑफ जेड था, इसको मैं मिनिमम ऑफ जेड डैश लिख रही हूं। और जेड डैश करूंगी तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का 3x1 - 2x2, ठीक है। और नीचे यहाँ पर सब्जेक्ट बनाऊंगी इसके, तो सब्जेक्ट में देखिए पहले इसका 2x1 + x2 के साथ लेस देन इक्वल का साइन है, तो लेस देन इक्वल का साइन इसका मतलब कौन सा वेरिएबल ऐड होता है इसमें, स्लेक वेरिएबल पॉजिटिव ऐड होता है। तो मैंने ऐड कर दिया स्लेक वाली वेरिएबल इसमें x3 और ये इक्वल में 2। दूसरी इक्वेशन देखिए 3x1 + 4x2, अभी है ग्रेटर देन इक्वल का साइन है तो सरप्लस विद आर्टिफिशियल, तो सरप्लस मैंने ऐड कर दिया माइनस का, सरप्लस माइनस का होता है तो माइनस का x4, ठीक है, प्लस आर्टिफिशियल तो a1 ले रही हूँ और इक्वल में 12, ठीक है। और नीचे फिर एंड x1 x2 x3 x4 and a1 ≥ 0। अब मैंने यहां पर जो भी ऐड करा है वो सब इसके अंदर जेड डैश में लिखना पड़ेगा, ठीक है। जब जेड डैश में लिखूंगी तो ये आ जाएगा प्लस में यहाँ पर 0x3 + 0x4 + ma1, क्योंकि
ये सारे प्लस में जाते हैं, और अगर मैक्सिमम में लिखे तो सारे माइनस में जाएंगे। ठीक है, तो बेटर है कि हम इसी को जेड डैश को मिनिमम कर दें, ठीक है, और आगे सारे प्लस में कर दें। ठीक है, तो ये ठीक है। अब इसकी बनाते हैं टेबल नंबर फर्स्ट। टेबल फर्स्ट पर आएंगे बी सी बी एक्स बी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एंड ए वन। ठीक है, और यहां पर हमारा है सी जे। सी जे देखो, सबसे पहले माइनस का थ्री माइनस का टू जीरो जीरो और वो एम। ठीक है, और इधर बी में हमें क्या लिखते हैं, बी के अंदर वो लिखते हैं हमने खुद से ऐड करे हैं फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, तो हमने स्लेक वेरिएबल ऐड करा एक्स थ्री, यहाँ पे एक्स थ्री आएगा, और नीचे मैंने सरप्लस एंड आर्टिफिशियल, तो मैंने बोला कि दोनों में से कौन जाता है, आर्टिफिशियल जाता है वेरिएबल, सरप्लस नहीं जाता, तो यहाँ लिख दूंगी मैं ए वन। एक्स थ्री का कोएफिशिएंट जीरो है और ए वन का क्या है एम है। एक्स बी जो इक्वल बड़े होते हैं टू एंड ट्वेल्व, अब इनके कोएफिशिएंट लिखो यहाँ पर, ये टू ये वन जीरो एंड जीरो। ठीक है, इनके कोएफिशिएंट थ्री फोर जीरो इसका माइनस वन एंड ए वन का वन। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व, अब इनका कोई यूज नहीं है, हमें सिर्फ टेबल में काम करना है। ठीक है, यहां हम ड्रॉ करते हैं जेड से, अभी बनाते हैं जेड से। जेड से कैसे होगा, सी बी एक्स आई होता है, तो सी बी जीरो को टू से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, एम को थ्री से करेंगे तो थ्री एम, ये जीरो ये फोर है, ये भी जीरो, ये जीरो ये माइनस का है, ये जीरो और ये प्लस का है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए इनको इन सब से, फिर ऐड कर दिए, फिर सी से माइनस जेड से करते हैं, तो सी से माइनस जेड से करेंगे माइनस थ्री माइनस का थ्री है, माइनस टू माइनस का फोर है, जीरो माइनस जीरो जीरो, जीरो माइनस माइनस ये प्लस का है, एम माइनस एम ये। अब हमारे हमने प्रॉब्लम किसमें चेंज कर ली थी, मैक्सिमम की प्रॉब्लम थी, उसको मैंने मिनिमम में चेंज कर लिया था। देखो मिनिमम में चेंज कर लिया था, तो कंडीशन वही रहेगी, मिनिमम के लिए सी से माइनस जेड से की सारी वैल्यू जीरो से बड़ी या बराबर आनी चाहिए, तभी हमने बोलते हैं कि उसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। अगर बाई चांस सी से माइनस जेड से की सारी वैल्यू जीरो से बड़ी या बराबर नहीं आ रही है, तब अपने इनमें से मोस्ट मिनिमम एलिमेंट को एंटर करवाते थे। ठीक है, सबसे छोटे एलिमेंट को क्या करवाते थे, एंटर करवाते थे। तो सबसे पहले चेक करो क्या ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, क्या ये जीरो से बड़े या बराबर है, तो कैसे चेक करेंगे, एम की वैल्यू पुट करके देखेंगे। तो पहले तो दिख ही नहीं रहा, ये एम की वैल्यू वन रखोगे तो माइनस का सिक्स बनता है और ये माइनस का एट बनता है, वन रखोगे ना एम की वैल्यू, एम पॉजिटिव नंबर होता है, एम रखोगे तो माइनस का सिक्स बनता है और ये माइनस का, ये भी माइनस का सिक्स बनता है। ठीक है, तो दोनों में से आप किसी को भी एंटर करवा सकते हो यहाँ पर, या फिर m की वैल्यू 2 रख के देख लो, m की वैल्यू 2। वैसे तो ये भी प्रोसेस है कि अगर बाई चांस आपके पास दो मिनिमम वैल्यू सेम आ रही हो, ठीक है, तो आप दोनों में से किसी को भी एंटर करवा सकते हो, आंसर सेम आना है। आगे काफी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जहां पर ऐसा ही आएगा कि कोई भी वैल्यू पुट करो उसके अंदर आंसर आपका सेम आ रहा है, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू सेम आ रही है, दोनों में से किसी को भी करवा दो, बट मैं फिर भी m की वैल्यू 2 रख के देखती हूँ। जब m की वैल्यू 2 रखती हूँ तो ये मेरे को माइनस का 10 मिलता है और ये माइनस का 9 मिलता है, तो मोस्ट मिनिमम मैं किसको ले रही हूँ, इसको ले रही हूँ। वैसे तो इसको भी ले सकते हो क्योंकि दोनों अगर मन रखने पर दोनों सेम आ रहे हैं, बट मैं थोड़ा आगे जाके थोड़ा क्लियर करने के लिए मैं इसको ले रही हूँ। ठीक है, तो ये मेरा मोस्ट मिनिमम एलिमेंट है क्योंकि सेटिस्फाई नहीं है सारी, ये दो मिनिमम आ रही है तो मिनिमम के लिए मिनिमम है ही नहीं, सारी की सारी जीरो से बड़ी बराबर आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 2 रख दी तो ये 10 हो गया माइनस का और ये माइनस का 9 हो गया, और माइनस का 10 क्या है, मोस्ट मिनिमम है, तो मोस्ट मिनिमम है तो इसको एंटर करवाऊंगी मैं। सबसे पहले ये एंटर कर गया, इसका मैंने कौन एंटर करा, x2 एंटर कर गया, तो इधर मेरे पास एक नया कॉलम बिना मिनिमम ऑफ एक्स बी अपॉन में एक्स टू। ठीक है, एक्स बी कितना है, 2 है अपॉन में एक्स टू 1, मतलब 2 आएगा, एक्स बी 12 है और एक्स टू 4 है, तो 3, दोनों में से मिनिमम 2 ही है, तो कौन निकला बाहर, एक्स थ्री। तो एंट्रिंग वेक्टर क्या है हमारा, एंट्रिंग वेक्टर है x2 डिपार्टिंग है x3, की एलिमेंट कौन है इसमें
और इसमें कॉमन वन है, तो की एलिमेंट क्या है इसका? वन। ठीक है, ये की है। अब हमें पता है कि ये सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है, क्योंकि दो मिनिमम आ गए, इसका मतलब हमें इसके इसकी सेकंड टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी। सेकंड टेबल ड्रॉ करेंगे फिर लिखेंगे बी सी बी एक्स बी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एंड ए वन। ठीक है, ठीक है, और बी के लिए देखो एक्स थ्री बाहर निकल गया और एक्स थ्री की जगह पर एंटर कौन करा है? एक्स टू। यहाँ लिखेंगे x2 और नीचे a1 का a1 ही है। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट चेंज हो जाएगा, x2 का कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास? माइनस थ्री माइनस टू जीरो जीरो हो रहा है। x2 का कोएफिशिएंट क्या है? माइनस का टू, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का टू। ठीक है, और a1 क्या है हमारा? m ही है, तो m ही रहेगा। x भी चेंज हो जाएगा इस बार। कैसे चेंज होगा? हमें की एलिमेंट को वन बनाना होता है, पर नहीं तो ऑलरेडी वन है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सेम एज इट इज लिख दो, की एलिमेंट वन ही है ऑलरेडी, और की एलिमेंट के जस्ट नीचे वाले एलिमेंट को जीरो बनाना होता है, यानी फोर को जीरो बनाना। तो जिसको जीरो बनाना हो तो यहाँ लिखो ट्वेल्व थ्री फोर जीरो माइनस वन एंड वन। ठीक है, और किसकी हेल्प से बनाना है? इसकी हेल्प से बनाना है। बनाना किसको है? फोर को, मतलब इसको बनाना है। इसको जीरो बनाने के लिए इसको फोर से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें तो ये हो जाएगा एट, ट्वेल्व माइनस एट फोर। ठीक है, एट थ्री माइनस एट फाइव, फोर माइनस फोर जीरो, ये माइनस का फोर माइनस का वन और ये वन, ये आ जाएगा यहाँ। इसको लिख दो फोर माइनस फाइव जीरो माइनस फोर माइनस वन एंड वन, ये आ गया आपके पास, टेबल बन गई। ठीक है, अब इस टेबल के अंदर हमारा काम है, ऊपर वाले टेबल का कोई यूज नहीं है। ठीक है, अब हम बनाते हैं जेड से। जैसे मतलब इनका मल्टीप्लाई, ये माइनस का फोर, ये माइनस का फाइव है, माइनस का फोर माइनस का फाइव है, ये माइनस का टू, ये जीरो, और ये माइनस का टू, ये माइनस का फोर है, ये जीरो, ये माइनस का है, वो जीरो और ये प्लस का है। फिर निकालना है हमें सी से माइनस जेड से, माइनस थ्री और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा वन माइनस फाइव है, सॉरी वन प्लस फाइव एम आएगा ये। और ये करेंगे तो ये जीरो और ये आ जाएगा प्लस का टू प्लस फोर एम। ठीक है, और ये करेंगे तो ये प्लस का एम और ये जीरो। अब देखो क्या ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन है? ठीक है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन मतलब सीधे मैंने चर्चा की सारी सारी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एम की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो आप, वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव ही आनी, तो कुछ भी नेगेटिव है ही नहीं इसके अंदर। तो देखो यहाँ पर तो हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल गया कि सीजे माइनस एड से की सारी वैल्यू जीरो से बड़ी या बराबर आ गई। बट मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा पिकअप मेथड का मेन जो मोटो है वो क्या रहता है कि आप आर्टिफिशियल वेरिएबल को हटाओ। यहाँ से मतलब नहीं है, हमें यहाँ से मतलब है कि इसके बेस के एलिमेंट के अंदर कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल पड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पर तो आर्टिफिशियल एक्सिस्ट कर रहा है, बट यहाँ और यहाँ सोल्यूशन तो मिल गया और यहाँ से ऑप्टिमम है, बट वहाँ ऑप्टिमम नहीं है क्योंकि आर्टिफिशियल वेरिएबल अभी भी एक्सिस्ट कर रहा है। इसका मतलब इस एलपीपी का कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन विद्यमान नहीं है। तो आपको दोनों चेक करने हैं, यहाँ पे तो हमेशा मिल जाएगा ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ठीक है, बट यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि इसका नो फिजिबल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम टेबल सेकंड ऑल वैल्यू ऑफ सीजे माइनस जेड से आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बट देयर एग्जिस्ट आर्टिफिशियल वेरिएबल ए वन इन बेस। इस बेस पर आर्टिफिशियल वेरिएबल भी एग्जिस्ट कर रहा है, सो विच इज नॉट ऑप्टिमम। विच इज नॉट ए फिजिबल सॉल्यूशन, सो दिस एलपीपी हैज नो
हमारे पास इसे पता चल जाए कि सारी की सारी वैल्यूज जीरो से बड़ी आ गई, बट उसके बेस के एलिमेंट में अभी भी एक आर्टिफिशियल वेरिएबल एक्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब इस एलपीपी का कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन विद्यमान नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं फिजिबल सॉल्यूशन से रिलेटेड। ठीक है, और बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, बहुत यही वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं नॉन फिजिबल सॉल्यूशन का। ठीक है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से आपको एक लास्ट क्वेश्चन मतलब विज्ञान मेथड के अंदर जो क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया था चैप्टर से, जिसके अंदर सारे सारे इक्वल के अंदर पड़े होते हैं, तो वो आप इसी में क्लियर कर लीजिएगा अगर विज्ञान मेथड में क्वेश्चन मिला हो वैसा। तो विज्ञान मेथड में एक क्वेश्चन था कि जिसके अंदर सारे के सारे जो सब्जेक्ट है वो सब इक्वल के अंदर हो, कोई भी लेस था या ग्रेटर करना हो, तो मैंने ये नहीं करवाया था, मैंने तीनों का मिक्सअप करवा दिया था कि जब स्लेक भी हो, सरप्लस भी हो और आर्टिफिशियल भी हो, ठीक है, सॉरी इक्वल का साइन भी हो, तो वो मैंने करवा दिया था। ठीक है, बट मैंने सिर्फ आर्टिफिशियल यानी जब सिर्फ इक्वल का साइन हो तो वो मैंने नहीं करवाया था, वो आज फिजिबल सॉल्यूशन के अंदर करवा रही हूँ। ठीक है, तो इससे आप विज्ञान वाला जो पैटर्न है वो भी आप क्लियर कर लोगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर सेकंड लेते हैं हम, सेकंड प्रॉब्लम है हमें क्वेश्चन दे रखा है सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी। आप इसी में क्लियर कर लो अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ है। ठीक है, अब करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, सॉल्व के लिए सबसे पहले देखो कि इसमें साइन क्या है, क्योंकि सब्जेक्ट देखकर ही हम इसके मेथड में जाते हैं। साइन यहाँ पे इक्वल का साइन है, अगर मैंने बोला कि इक्वल या ग्रेटर देन का साइन मिलता है तो उसको क्या कर देना, सीधा की सीधा विज्ञान मेथड से कर देना। ठीक है, अगर हो सकते हैं इनके साथ एक लेस देन का होता तो भी अपने विज्ञा में ही लगाते हैं, क्योंकि एक ग्रेटर देन का साइन और इक्वल का साइन मिल गया ना तो उसको विज्ञा में ही जाता है। ठीक है, और सारे के सारे साइन लेस देन के अंदर हों तब अपने उसको सिंपल वाले मेथड से भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पर दोनों इक्वल के साइन है तो हम इसको बाय विज्ञा मेथड ही करेंगे। और मैंने बोला कि विज्ञान के लिए जब करने जा रहे हो तो उसका जेड हमेशा मिनिमम में रखो तो सही रहता है, तो हम इसके जेड को मिनिमम में चेंज कर लेते हैं। तो मिनिमम ऑफ जेड डैश इक्वल्स टू माइनस का 3x1 माइनस का 2x2 माइनस का x3, चेंज कर दिया माइनस में, इसके सब्जेक्ट बनाओ माइनस का 3x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3। ठीक है, आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड होता है जब भी सिर्फ इक्वल का साइन हो, तो सिर्फ आर्टिफिशियल ऐड होगा प्लस का a1 और इक्वल में 8, और यहाँ पर करेंगे तो माइनस का 3x1 4x2 x3 और एक और आर्टिफिशियल ऐड होगा a2 और इक्वल में 7। यहाँ पर x1 x2 x3 a1 एंड a2 ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके z में क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या ऐड होगा, क्या ऐड करा, क्योंकि तो सिर्फ आर्टिफिशियली जो ऐड करे प्लस का m a1 और प्लस का m a2। ठीक है, ये बन गया, इससे हम टेबल ड्रॉ करते हैं। टेबल नंबर फर्स्ट BCBXB X1 X2 X3 X4 नहीं है इसमें, तो डायरेक्ट A1 एंड A2। ठीक है, उसके बेस में देखिए मतलब कौन से वेरिएबल हमने खुद से ऐड करे हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल, तो सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल आए गए यहाँ पर, यानी A1 और A2। सीजन देखिए इसका माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 m और m। ठीक है, A1 A2 यहाँ पे इसके बेस में चले गए, अब इसके कोएफिशिएंट क्या है, उधर m एंड m। ठीक है, xb a
कोएफिशिएंट यहां से देखते हैं, लिखेंगे माइनस का 3 प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 1 एंड 0, यहां लिखेंगे माइनस का 3 प्लस का 4 1 0 एंड 1। अब बनाते हैं इसका zj, zj इनका मल्टीप्लाई, माइनस का 3m माइनस का 3m माइनस का 6m हो जाएगा, ये 2m एंड 4m ये प्लस का 6m हो जाएगा, 2m एंड m 3m, ये m ठीक है वो 0 ये भी m। फिर cj माइनस zj करते हैं, सीधे मैंने चल जाए माइनस 3 माइनस दिस कर रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 3 प्लस 6m, माइनस का 2 माइनस का 6m, माइनस 1 माइनस 1 प्लस 3m कर दो, ये 0 ठीक है, ये बन गया सीधे माइनस जेड से। अब हमने प्रॉब्लम देखो किसमें चेंज कर ली थी, हमने प्रॉब्लम चेंज कर ली थी मिनिमम के अंदर, तो मिनिमम के लिए क्या सॉल्यूशन होता है कि इसके अंदर सीजे माइनस जेड की सारी वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर होनी चाहिए, अगर होंगी तभी उसको ऑप्टिमम सॉल्यूशन होता है। अब यहाँ पर देखो सीजे माइनस जेड के अंदर सारी की सारी वैल्यू बड़ी बराबर है या नहीं है, तो नहीं है, बिल्कुल साफ ही दिखाई दे रहा है। एम की वैल्यू 1 रखो, एम की वैल्यू 1 रखते हैं यहाँ पर, तो ये तो पॉजिटिव आ जाता है प्लस का 3, तो इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। ये m की वैल्यू यहाँ 1 रखते हैं तो 6 माइनस 3 प्लस का 3 आता है, और यहाँ पर m की वैल्यू 1 रखते हैं तो माइनस का 8 आता है, यहाँ पे m की वैल्यू 1 रखते हैं तो माइनस का 4 आता है, तो कोर है मोस्ट मिनिमम, ये मोस्ट मिनिमम है x2, ठीक है मोस्ट मिनिमम है हमारे पास x2, क्योंकि ये वैसे तो दो मिनिमम है, ये पॉजिटिव है, ये 0 0, इन तीनों के लिए सेटिस्फाई है, इन दोनों में प्रॉब्लम आ रही है कि दोनों के दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, दोनों के दोनों नेगेटिव है इसका मतलब ऑप्टिमम नहीं है, मिनिमम कहता है कि सारी की सारी 0 से बड़ी बराबर होनी चाहिए, अभी ऑप्टिमम नहीं है, इसका मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे मोस्ट मिनिमम को एंटर करवा देंगे। अब दोनों में से मोस्ट मिनिमम कौन हुआ, ये माइनस का 4 हुआ 1 रखने पर, और ये माइनस का 8 हुआ, तो ये मोस्ट मिनिमम है, तो हम एंटर किसको करवाएंगे, इसी को एंटर करवाएंगे, यानी x2 को एंटर करवाएंगे। जब इसको एंटर करवाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास नया कॉलम बनेगा xb अपॉन में x2, अब 8 बाय 2 करो ये हो जाएगा 4, एंड 7/4 करते हैं जब तो कितना हो जाएगा 1 point something आएगा, तो यही मिनिमम है, ये मिनिमम है, तो डिपार्ट कौन हुआ, जब लिखेंगे हम एंटर कौन करा है हमारे पास, एंट्रिंग वेक्टर है x2, डिपार्टिंग है a2, एलिमेंट कौन है इसमें और इसमें कॉमन 4 है, फिर हमें टेबल नंबर सेकंड में जाना है, अब हमें जाना है इसके टेबल नंबर सेकंड के अंदर, तो टेबल नंबर सेकंड में जब जाएंगे तो ये तो सेम रहेंगे, बी सी बी एक्स बी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री। अब देखो a1 है यहाँ पर, डिपार्ट कौन हुआ a2, जब मैंने बोला था कि जब आप आर्टिफिशियल वेरिएबल को डिपार्ट करते हो तो आर्टिफिशियल वेरिएबल वहां से हट जाता है, उसके नीचे क्रॉस लग जाता है, तो मैं जो डिपार्ट मेरा a2 हुआ तो मैं a2 को नहीं लिख रही, सिर्फ a1 पे खत्म, तो यहाँ पर इनके द्वारा लिख दीजिए कोएफिशिएंट एंड सीजे, सीजे सेम रहेगा माइनस का 3 माइनस 2 माइनस 1 ठीक है, और यहाँ पर बी करेंगे तो बी a1 का डायरेक्ट रहेगा, और a2 के लिए एंटर कौन करा है x2, a1 m है x2 माइनस का 2 है, x3 में चेंज आएगा, अब इस की एलिमेंट को हमें 1 बनाने के लिए इस पूरी रो को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये होगा 7/4 माइनस का 3/4 ये 1/4 और a1 के लिए ये 0 ठीक है। फिर हमें क्या करना था कि एलिमेंट से जस्ट ऊपर वाले एलिमेंट को 0 बनाना है, यानी किसको बनाना है 8 - 3 2 2 and 1, इसको 0 बनाना है किसकी हेल्प से 7/4
माइनस थ्री बाय फोर, वन वन बाय फोर एंड जीरो, ठीक है। और बनाना किसको है, इस टू को बनाना है, ठीक है। इसको टू से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, तो एट माइनस सेवन बाय टू करते हो जब, ये हो जाएगा नाइन बाय टू, ठीक है। ये कर दो, माइनस का थ्री बाय टू, माइनस थ्री प्लस थ्री बाय टू, तो माइनस का सिक्स प्लस माइनस का थ्री बाय टू, और यहाँ करोगे ये जीरो, ठीक है। और ये टू माइनस वन बाय टू करोगे तो ये थ्री बाय टू हो जाएगा, और ये आ जाएगा वन, ठीक है, ये आ जाएगा वन। तो हम लिखेंगे यहाँ पर नाइन बाय टू माइनस थ्री बाय टू, जीरो, थ्री बाय टू और वन, ये हो गया, ठीक है। अब इस ऊपर वाली टेबल का कोई यूज नहीं है, हमें सारा काम इसमें करना है। अब बनाएंगे हम इसका जेड से, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का थ्री बाय टू एम प्लस थ्री बाय टू, ठीक है। इसको करेंगे ये माइनस का टू आएगा, ये थ्री बाय टू एम माइनस वन बाय टू, ये। अब करेंगे हम सी से माइनस जेड से, तो माइनस थ्री करेंगे हम, तो माइनस का थ्री माइनस थ्री बाय टू, ये माइनस का नाइन बाय टू प्लस थ्री बाय टू एम, ये आएगा, ये हो जाएगा जीरो, ठीक है। उसमें से माइनस वन में से इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस का हाफ हो जाएगा, तो माइनस का हाफ, तो माइनस का थ्री बाय टू एम प्लस हाफ, और ये जीरो, ठीक है, ये होगा। अब सीजे माइनस एड के लिए फिर से वो मिनिमम के लिए देखना है कि सारे के सारे जीरो से बड़ी या बराबर आनी चाहिए, तो हाँ ही नहीं, दो मिनिमम आ रही है हमारे पास। अब दो मिनिमम आ रही है, इसका मतलब फिर से हमें काम करना पड़ेगा इसके अंदर, तो दोनों में से देखो मोस्ट मिनिमम कौन है इसके अंदर, ठीक है। जो भी मोस्ट मिनिमम होगा हम उसको क्या कर देंगे, एंटर करवा देंगे, ठीक है। देखो दोनों में से मोस्ट मिनिमम कौन है, एम की वैल्यू वन रखो, यहाँ एम की वैल्यू हम वन रखते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का सिक्स, ठीक है। और यहाँ पर एम की वैल्यू वन रखते हैं तो कितना आता है हमारे पास, ये आता है माइनस का टू, तो मोस्ट मिनिमम हमारे पास ये फर्स्ट वाले बन गया, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, एंटर करवाएंगे, ये प्लस का आएगा, एक सेकंड, ये गलत कर दिया मैंने वैल्यूज, ये दोबारा लिखते हैं, माइनस थ्री करेंगे तो प्लस का तो थ्री बाय टू एम हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस में जाएगा तो माइनस थ्री और माइनस का थ्री बाय टू करेंगे हम, तो माइनस थ्री माइनस का थ्री बाय टू, ये आ जाएगा माइनस का नाइन बाय टू। जब इसको करेंगे तो ये माइनस का थ्री बाय टू और ये प्लस का हो जाएगा, तो ये आएगा माइनस का वन बाय टू प्लस थ्री बाय टू एम। अब देखिए, अब दोबारा इसको चेक करो कि ये तो पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। इसमें एम की वैल्यू हम टू रखते हैं, एम की वैल्यू कुछ भी रख दो यहाँ पर, ये पॉजिटिव मिल जाएगी हमको किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। और यहाँ रखो, यहाँ पर ये बाहर माइनस आ रहा है, इसका मतलब यही मोस्ट नेगेटिव है, ठीक है। अब मोस्ट मिनिमम है तो मोस्ट मिनिमम हम इसी को एंटर करवाएंगे, तो ये चला जाएगा एंटर। अब ये एंटर करें मतलब x3 एंटर करें तो इधर आ जाएगा मिनिमम ऑफ x b अपॉन में x3, ठीक है। तो 9 बाय 2 अपॉन 3 बाय 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। और ये करेंगे तो ये 7, तो मोस्ट मिनिमम हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है, a1 आ रहा है। तो इसमें से बाहर कौन निकल जाएगा हमारे पास, a1 आ जाएगा, ए वन निकल जाएगा बाहर। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारा एंटरिंग फैक्टर कौन है, ठीक है। एंटरिंग है एक्स थ्री और डिपार्टिंग है ए वन, ठीक है। और की एलिमेंट कौन है, बन गया हमारे पास थ्री बाय टू,
अब बनाते हैं इसकी दोबारा से टेबल। लास्ट टेबल बन रही है इसकी थर्ड, बी सी बी एक्स बी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री। ए वन निकल गया तो ए वन को लिखना नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक्स थ्री तक काम करेंगे हम इसमें, ठीक है। और बी में ए वन निकल गया, ए वन की जगह एंटर कौन करा, एक्स थ्री, यहाँ एक्स टू, सी से माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक्स थ्री का कौन है कोएफिशिएंट, माइनस का वन है, ये माइनस का टू है। एक्स बी में क्या चेंज आएगा, ये थ्री बाय टू है, इसको टू बाय थ्री से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा थ्री, ये माइनस का वन, ये जीरो, और ये प्लस का वन, ठीक है। अब हम क्या करना है कि एलिमेंट के नीचे वाले एलिमेंट को जीरो बनाना है, तो सेवन बाय फोर माइनस थ्री बाय फोर वन एंड वन बाय फोर, ठीक है। हमें वन बाय फोर को जीरो बनाना है विद हेल्प ऑफ थ्री माइनस वन जीरो एंड वन, इसको वन बाय फोर से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा, सेवन बाय फोर माइनस थ्री बाय फोर करेंगे वन आ जाएगा, और माइनस का थ्री बाय फोर प्लस वन बाय फोर करेंगे तो ये माइनस का वन बाय टू आ जाएगा, ये वन ये जीरो, तो यहाँ लिखते हैं वन माइनस वन बाय टू वन एंड जीरो। अब इसका बनाते हैं हम जेड जे, जेड जे करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस वन, प्लस वन और प्लस वन टू हो जाएगा, ठीक है, ये जीरो, ये माइनस का टू, ये माइनस का वन, ठीक है। फिर करते हैं हम सी जे माइनस जेड जे, तो माइनस का फाइव, ये जीरो और ये जीरो। अब देखो अभी भी ऑप्टिमम नहीं है क्योंकि सारी की सारी वैल्यू जीरो से बड़ी या बराबर आनी चाहिए, बट यहाँ पे देखो माइनस का फाइव है तो एक नेगेटिव है, हम इसको एंटर करवाएंगे। अब देखो यहाँ पर जब हम इसको एंटर करवाते हैं तो अब इसका कॉलम बनेगा मिनिमम ऑफ दिस एक्स बी, अपॉन में एंटर कौन करा है एक्स वन। बट अब देखिए यहाँ पर जब एक्स वन के लिए दोनों के दोनों जो वेक्टर हैं वो नेगेटिव के अंदर पड़े हुए हैं, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आप एक्स बी अपॉन में लिखते हो तो ना तो वो नेगेटिव होना चाहिए और ना ही वो जीरो होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए, तभी अपने ये कॉलम बना सकते हैं। अब यहाँ पर तो ये भी नेगेटिव है तो यहाँ भी डैश, ये भी नेगेटिव है यहाँ भी डैश, तो आगे इसका सोल्यूशन ही नहीं कर सकते हम, क्योंकि डिपार्ट ही नहीं हो रहा, डिपार्ट नहीं होगा तो की एलिमेंट नहीं होगा, की एलिमेंट नहीं होगा तो हम बना नहीं सकेंगे। इसका मतलब इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे लिखेंगे हम This LPP has no feasible solution. तो इस तरीके से भी हम चेक करेंगे कि LPP का no feasible solution है कैसे। पहला तो तरीका वो है कि उसके अंदर artificial variable नहीं होना चाहिए, यहाँ optimum मिल जाए बट यहाँ ना मिले, ठीक है, यहाँ पे artificial हो तभी वो optimum नहीं है, अब यहाँ मिल गया बट यहाँ नहीं मिला optimum, ठीक है। इसका मतलब ये भी फिजिबल नहीं, तो दोनों तरीकों से आपको क्वेश्चन करना पड़ सकता है, यहाँ ना हो तभी वो फिजिबल सोल्यूशन नहीं है, यहाँ ना हो तभी फिजिबल सोल्यूशन, और यहाँ पर कैसे नहीं होगा जब यहाँ पे आर्टिफिशियल एक्सिस्ट कर रहा हो तब वो फिजिबल नहीं होगा, बट यहाँ पर ऑप्टिमम नहीं आ रहा क्योंकि हमें नेगेटिव नेगेटिव है तो हम एक कॉलम ही नहीं बना सकते, कॉलम नहीं बनाएंगे तो डिपार्ट नहीं होगा कि एलिमेंट नहीं होगा तो वो सोल्यूशन वहीं पे खत्म हो जाएगा। इसका मतलब इस एलपीपी का भी कोई फिजिबल सोल्यूशन विद्यमान नहीं है। तो ये हमारा टॉपिक था नॉन फिजिबल सोल्यूशन का, इससे रिलेटेड आपको बुक्स में कहीं भी क्वेश्चन मिलते हैं तो आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है, और विज्ञान मेथड से भी मैंने करवाते तो सारे सारे क्वेश्चन मिक्सअप हो जाएंगे। अब तो आपको खुद से देखना है कि हम कौन सा मेथड इसमें यूज करें जिससे हमारा सोल्यूशन ऑप्टिमम मिल जाए हमें, और इसका एक लास्ट मेथड और बचा ऑप्टिमाइजेशन का, वो हम खत्म करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और इसे क्वेश्चन आप कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।